हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस स्मॉल कर्सिव लेटर्स। स्टूडेंट्स, इन लेटर्स में कौन कौन सी लाइन यूज़ होती हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स देखेंगे हम कि मिडल लाइन में कौन कौन से स्मॉल कर्सिव लेटर्स आते हैं। तो इसमें आप देखोगे कि यहाँ पर हमने टॉप लाइन को हमने छोड़ दिया, यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे, एंड बॉटम लाइन जो है उसको हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। जो दो बीच में जो लाइन बनी हुई है उनको हम कहते हैं मिडल लाइन। तो मिडल लाइन में कौन कौन से जो स्मॉल कर्सिव लेटर हैं वो कौन कौन से आते हैं? ए, सी, ई, आई, एम, एन, ओ, आर, एस, यू, वी, डब्ल्यू एंड एक्स, ये आते हैं मिडल लाइन में स्मॉल कर्सिव लेटर्स। अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स टॉप थ्री लाइंस में कौन कौन से अल्फ़ाबेट आते हैं। तो टॉप थ्री देखोगे आप, ये देखोगे यहाँ पर हम क्या कर देंगे, बॉटम लाइन को हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। टॉप थ्री लाइन है वो उनको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो इसमें स्मॉल कर्सिव कौन कौन से लेटर आते हैं? बी, डी, एच, के, एल एंड टी। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे यहाँ पर बॉटम थ्री लाइंस। अब यहाँ पर हम कौन सी लाइन को छोड़ देंगे? टॉप लाइन को छोड़ देंगे, यहाँ पर इसको यूज़ नहीं करेंगे। टॉप लाइन को बॉटम थ्री लाइन को यूज़ करेंगे। तो इसमें कौन कौन से अल्फाबेट आते हैं? जी, जे, क्यू, वाई एंड जेड। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे यहाँ पर फोर लाइंस में कौन कौन से स्मॉल कर्सिव लेटर आते हैं। स्मॉल कर्सिव लेटर हैं यहाँ पर एफ एंड पी। तो स्टूडेंट्स इससे क्या रिकनाइज आप करोगे तो आपको सीखने में भी इजी रहेगा और आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से अल्फ़ाबेट कौन कौन सी लाइन में यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।